तो भाई सुबह हो गई है अभी हमारी और बिल्कुल एंड टाइम पे, मतलब फिक्स टाइम पे आँख खुल चुकी है। टाइम हो रहा है अभी 12:53 PM। जुम्मे का दिन है, जुम्मा भी पढ़ना है, अभी बहुत सारे काम हैं। तो जल्दी से तैयारी करते हैं, याद हो के तैयार होते हैं, जुम्मा पढ़ने जाते हैं, उसके बाद आगे का सेटअप करते हैं। कुछ आज के दिन का आगाज हो गया। हाँ तो भाई अभी नहा के रेडी हो चुका हूँ, अब बस जाना है, नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ के आना है, फिर आपको बताना है कि हमारा आज का VIP सेटअप क्या है। भाई आज कुछ VIP सेटअप है, कुछ बड़ा सेटअप है, बस नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर आपको कुछ खुशखबरी सुनाते हैं। थोड़ा सा वेट करो, फिर 5-10 मिनट थोड़ी देर और लगाओ और हम फिर आपको सेटअप बताते हैं। नमाज़ का टाइम हो गया, अभी जल्दी निकलना है। भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह सब हो गई है, अब मैं आपको बताऊँ कि आज का हमारा VIP सेटअप क्या है। VIP सेटअप ये है कि हमारी आज है ग्रैंड अफ्तार पार्टी, ठीक है। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं वहाँ पे, नमाज़ वगैरह सब हो गई है और थोड़ी देर हो गई नमाज़ पढ़े हुए, लेकिन अब टाइम हो गया अपना निकलने का, क्योंकि बड़ी इफ्तार पार्टी है, हम लोगों ने कुछ अरेंजमेंट भी करना है और बाकी हम लोग इनवाइट भी हैं। ये समझ लें हमारा अपनी ही पार्टी है और बहुत सारे हमारे मेहमान आएंगे। अभी मैं बस निकल रहा हूँ वहाँ के लिए, वहाँ चल के आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या हमारे सेटअप है। बहुत VIP सेटअप है, फुल खापे का सेटअप है, बस चलो अब इन्जॉय करते हैं। भाई जिसका इंतज़ार था वो चील हमारी हो चुकी है, मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ यहाँ पे ना, लेकिन अभी पहुँचते हमारा काफ़ी देर हो गई पहुँचे थे, लेकिन अभी असर का नमाज़ का ब्रेक हमने लिया, हम अरेंजमेंट वगैरह करवा रहे थे। तो बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे, अभी मेरे साथ अम्माद खड़ा हुआ है। तो अम्माद नमाज़ में टाइम कम रह गया है, भाइयों को देते हैं हम बीवी थोड़ी देर में, आप लोग हमारे साथ रहना। और बाकी ये देखो यार, ये मस्जिद का गार्डन है, वो सामने मस्जिद है, यहाँ से एंट्रेंस थी। और ये अभी हम लोग ने आया कि मस्जिद में आएगा अभी, बाकी जो बाहर हमारा जो है बैंक्वेट और वो जो है लॉन वगैरह जो हमारा सेटअप लगा हुआ है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन अभी जल्दी से चलते हैं, नमाज़ का टाइम हो गया। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज़ हो गई है, असर की नमाज़ पढ़ के निकले हैं। ये अभी देखो सामने वो तस्वीरें वगैरह खींच रहे हैं, तहा खड़ा हुआ है, सभी तस्वीरें खींच रहा है। अब सेटअप ये अभी हम आपको लेके जाऊँगा मैं अपने सेटअप की तरफ ना, जहाँ पर हमारा सारा वो लगा है सेटअप, जहाँ पर अफ्तारी करेंगे हम लोग और खाने पीने में क्या क्या आइटम है सब दिखाता हूँ। पहले नमाज़ ज़रूरी थी और बस हम काम में बिज़ी हो गया था मैं आते ही, लेकिन अब नमाज़ के बाद थोड़ा काम हल्का हो गया, तो चलते हैं अभी सीधा सेटअप की तरफ। बहुत VIP सेटअप है, आ जाओ भाई। अभी हमारा सेटअप मैं आपको दिखाने का बोल रहा था, मैं यहाँ पे आ गया हूँ जहाँ पे हमारा पूरा ना अफ्तारी का सेटअप लगा हुआ है। तो सीन ऐसे हैं, यहाँ पे सीन ऑन हो गए हैं, माशाल्लाह से हमारे गेस्ट आना शुरू हो गए हैं, हमारे 3-4 गेस्ट आ चुके हैं सामने, वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं गेस्ट, ठीक है। और बाकी मैं भी रेडी चल रहा हूँ, अभी सामने जो है हमारा उधर बारबेक्यू वगैरह सेटअप शुरू हो गया, इधर हमारे चाय वाले भाई बैठे हैं, बाकी पूरा अपना सेटअप है, ठीक है। अभी जाके मैं भी मिलूं यार सबसे, क्योंकि नमाज़ पढ़ के अभी यहाँ पे आया हूँ मैं साइड पे। तो सेटअप ये चल रहा है कि सारे लग गए हमारे मेहमानों के साथ, मैं नहीं मिला किसी से अभी क्योंकि व्लॉग बनाना था। तो अभी हम लोग चलते हैं मेहमानों से मिलते हैं, ये हमारे सिकंदर भाई भी अभी आ गए, व्लॉग है और कौन है, बाकी सारे मेहमान खड़े हैं। चलो यार सिकंदर भाई मेहमानों से मिले, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए कुछ फोटो शूट वगैरह कर रहे थे, गाड़ी के पास आए हुए थे अपनी ना जहाँ से हम लोग उतरे थे, और बाकी वहाँ पे हमारे मेहमान आने लग गए, फुल प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल आ रही है। और बाकी अभी देखते हैं थोड़ी देर में कि अपना सेटअप रोज़ा खोलते हैं, और आपको एक हमारे आप सोच रहे होंगे कुछ बंदे मिस हैं, उनसे भी अभी मैं मिलवाऊंगा थोड़ी देर में आने वाले हैं, समझ जाओ कौन आने वाला है। आपको मैं बता रहा था कि अभी हमें कुछ लोगों ने ज्वाइन करना है जो आपको मिस लग रहे होंगे, आपने गेस किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमारे दोनों पार्टनर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, ये हसन साहब को मैंने पहले भेज दिया, मैंने जाकर सेटअप देखो, सेटअप बन गई फिर मैं आ जाऊंगा। और ये हमारे अरम भाई भी माशाल्लाह से आ गए हैं। अरम कब आए तुम तुर्की से? बाकी अभी देखो यार सेटअप सामने है, मेहमान आए पे आए जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा ना वहाँ पे बोर हो रहा था वेलकम कर करके सबको, हम लोग यहाँ पे आके खड़े हो गए, काफ़ी देर से वहीं खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा व्लॉग बनाए बंदा या वेलकम करे सबसे हाथ मिलाए क्या करे। तो अभी यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ, थोड़ी देर में हम लोग चलते हैं, रोज़ा खुलने वाला है, तकरीबन 20-25 मिनट रह गए ना, रोज़ा खोल के फिर अपना कंटिन्यू करते हैं सारा सेटअप, क्योंकि खाना भी है हमारा, डिनर भी और अफ्तारी भी आज भाई सारा हम लोग मिल मिला के सबसे बैठ गए जगह पे। और दूसरी बात ये है कि मेहमान हमारे सामने सेनेट मेंबर हैं, डिप्टी मेयर हैं, सारे हमारे अच्छे अच्छे मेहमान आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे अभी रह भी गए ना, गेस्ट हमारे पूरे नहीं हुए अभी। टेबल पर जो है हमारे साथ हमजा भाई है, वैसल चाचू है मेरा, क्या हो गया दम वम कर रहे हो क्या? तस्वीर पढ़ लो माशाल्लाह। बाकी हमारे कुछ भाई बैठे हैं, मानी है, अदनान है, रफा भाई है,
और ये सेटअप पूरा हमारा ये लगा हुआ है भाई। बाकी बस अभी बहुत कम टाइम रह गया है, कुछ मेहमान रह गए हमारे, वो लोग आ जाएं, हम लोग फिर रोज़ा खोलते हैं अपना, फिर खाना पीना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बुरा रोज़ा लग रहा है, बहुत बुरी हालत हो गई है दोपहर से, तकरीबन जुम्मे के बाद से हम लोग यहीं पर ही हैं, सारे काम वाम देख रहे हैं। فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نس भाई बिल्कुल टाइम एंड पर है, हालत बिल्कुल खराब हो गई है यार, खांसी भी हो रही है, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, सीन ऐसा है। हम लोग बैठ गए साइड में वीआईपी टेबल छोड़ के, अब के उठ के जाना पड़ेगा, और उसमें भी अभी तक नहीं खोला इन्होंने, और खजूर की जगह पे यार खजिया रखी हुई है, समझ में नहीं आ रहा, फिर भी चेक करेंगे, खा लेंगे हम चाहिए। बाकी ये हमारे मछला से भाई कोल्ड ड्रिंक लेके घूम रहे हैं, देखो ये बाकी ये बूफे सिस्टम लगा हुआ, पूरा लाइटिंग ऑन हो गई है, मेहमान बहुत आ गए, लेकिन अपनी टेबल पे अपने ही बैठे हैं। बाकी अब बस वेट हो नहीं रहा, आखिरी शॉट लेते हैं यार, उसके बाद फिर हम रोज़ा ही डायरेक्ट खोलेंगे, क्योंकि बहुत प्यास लग रही है, रोज़ा बहुत लग रहा है, जुम्मे का दिन था ना यार, पूरा दिन बाहर ही जाता है भाई। ये देखा था भाई, अभी से उधर काम हो में, और यहाँ पे ये हमारे हमाद भाई मछले टिक्के खा के बैठे हैं अभी, ये बोतल पी जा रही है, हाँ अभी पीते हैं हम भी, देखो हमदा भाई आ गए, हमदा भाई फुल ने, हमदा भाई ने फोड़ दिया, मज़ा आ रहा है तो हम भी अभी खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं भाई। माशाल्लाह से खाना बड़ा, खाना बहुत है, रश भी बहुत है, मछला दुनिया खा रही है, ये हमारे दफा भाई आ गए, बीच रोड पे खड़े हुए खाना खा रहे हैं। मैं थाल दी अभी जा सीन है, कोई सीन नहीं है, जहाँ मिलना खड़ा होगा खा लो, ये देखो भाई बीच रोड पे खड़े हुए खा रहे हैं, क्या चीज़ें जगह नहीं मिल रही आपको, जगह खाली दिखाएंगे हम यार, मुझे खड़े में ताकि एंजॉय करें, अलग तरीके से मजान करें, संसाब क्या चीज़ें भाई, संसाब मुझे खड़े लाइक नहीं बचे। सीन ये है कि आवाम बहुत ज़्यादा है, सर्विस थोड़ी स्लो चल रही है, इस चक्कर में जो रश बहुत बढ़ गया है और सर्विस लेट हो रही है, लेकिन मेरा भूखा कोई भी नहीं आएगा, आप सब खा के जाएंगे इंशाल्लाह। भाई बहुत बुरी हालत हो गई है यार, खाने पे इतना रश लग गया, इतने लोग आ गए थे, हमें आइडिया नहीं था बिल्कुल भी ना, लेकिन ये पीछे बैठा हुआ है वो ये जैन सब खा के बैठ गया, हमारे इसने बिल्कुल ख्याल नहीं करा, इसके रसगुल्ले भी यहाँ पे अभी पड़े हुए हैं। हाँ भाई जैन फुल है पेट, और वो इमरान देख छुपके से बैठा हुआ है, बराबर का खाया है, उस तुमने खाया खा लिया उस भाई, हम ही बैठे हैं अभी तक, जो इधर उधर भाग दौड़ में लगे हुए, तो सबकी टेबलें और बुफे फिल करवा रहे थे ना, तो नहीं भाई अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं खाया, अभी खाएंगे हम लोग अगर अभी सेटअप बना हमारा, लेकिन काम बहुत पड़ा हुआ है, अभी भी तकरीबन अफ्तार ख़त्म हुए हुए 2 घंटे 1.5 घंटा हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे देखो रश ख़त्म नहीं हो रहा है, 70% आवाम गई है अभी, 30-40% आवाम अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन अब देखो यार थोड़ी देर में सेटअप करते हैं, बहुत बुरी हालत हुई है, एक रोल और एक कोल्ड ड्रिंक से रोज़ा खोला है, बस वही खोला हुआ है अभी तक। तो भाई अभी फाइनली मैं घर पहुँचा हूँ, और आगे के सीन इसलिए नहीं दिखा सका, बाइक की हो गई थी तबीयत ख़राब, ठीक है, वहाँ पे जो है रोज़े में हमने जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ी, इधर उधर हम काम से भी भागे, तो इस चक्कर में तबीयत ख़राब हो गई थी भाई की, हम लोग को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा फिर इस चक्कर में, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन हो गई थी आई थिंक, तो ब्लॉक को हमने वहीं रोक दिया था, और बाकी सारे मुझे लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ पर चेकअप वगैरह हुआ, ट्रिप लगी और बहुत सारी दवाइयाँ दी, क्योंकि रोज़े में जुम्मे ही नमाज, फिर उसके बाद इतनी भाग दौड़, बहुत सारे गेस्ट हैं, आपने अभी देखा कि कितने मेहमान थे हमारे वहाँ पर, तो इस चक्कर में अब व्लॉग हम लोगों ने वहीं रोक दिया था, तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा, इतनी मेहनत लगी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बस भाई को दुआओं में याद रखो, और इस व्लॉग के लिए इजाज़त दो, मिलता हूँ आपको नए व्लॉग में, दुआओं पर याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।